नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल खिलारे आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरी ही एक रचना, एक कविता, तू बस सुनती रहना, जो आपको भारत की महिलाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगी। कविता का शीर्षक है तू बस सुनती रहना। तू बस सुनती रहना, वह लोचते जाएंगे और खींचते जाएंगे बेजान बनते जा रहे शरीर को बेखौफ होकर। वह लोचते जाएंगे और खींचते जाएंगे बेजान बनते जा रहे शरीर को बेखौफ होकर। जलाते जाएंगे बची कुची जान को हर दिन, हर गली, हर शहर। वह लोचते जाएंगे और खींचते जाएंगे बेजान बनते जा रहे शरीर को बेखौफ होकर। जलाते जाएंगे बची कुची जान को हर दिन, हर गली, हर शहर। और तू सुनती रहना चूड़ियों के जोड़ों की खनखनाहट, और भरती रहना मांग खुद को सीमाओं में बांध कर। और तू सुनती रहना चूड़ियों के जोड़ों की खनखनाहट, और भरती रहना मांग खुद को सीमाओं में बांध कर। रोकती रहना बेड़िया तोड़ने वाले हाथों को गले में मंगलसूत्र टांग कर। और तू सुनती रहना चूड़ियों के जोड़ों की खनखनाहट, और भरती रहना मांग खुद को सीमाओं में बांध कर। रोकती रहना बेड़ियां तोड़ने वाले हाथों को गले में मंगलसूत्र टांग कर। और करती रहना वह सुहाग की लंबी उम्र का व्रत, और करती रहना वह सुहाग की लंबी उम्र का व्रत। भूखी प्यासी रहकर पुरुषों ने बनाई प्रधानता के संस्कृति की रक्षा करने के लिए। थैंक यू।